और इधर देखते हैं अभी। बस तुम बोलो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। गंगा जी भी है यहाँ पर भाई, मस्त गंगा जी बह रही है पूरे अपने शोर में। तो ये यहाँ इसमें गंगा मैया जो है सब लेके जाते हैं शुद्ध करने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे जो है गंगा मैया। ये मैं लेके जाऊंगा यार अभी। तो ये आगे बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज, तो देख सकते हो प्राइस क्या बोले 400 9 किलोमीटर ड्राइव करा के लेके जाएंगे और अपना 12 किलोमीटर गंगाजी में राफ्टिंग है। बहुत हो गया 12 किलोमीटर, अबे भाई साहब मेरी फट जाएगी। अपने को जिंदा रहना है। ये जो आश्रम है पूछे क्या बेटा, अभी अपने को रहने मिल रहा था क्यों पूछो, छोड़ो ठीक है ना। एक टाइम था गाइस जब रात को मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, और देखो आज अपने पास दो दो तीन दिन ऑप्शन पड़े, तो ये सब भी होता है अपने साथ जीवन में। खराब दिन आता है तो अच्छा दिन भी आता है, तो कभी भी जज मत करना अपने टाइम को। मेरी फ्रेंड है बहुत सारी, चलो फॉरेनर आपको आपको दिखवा आपको वीडियो कॉल पर दिखवा दूंगा। हाँ तुमको सब पता है भाई, इंडियन मेकअप फॉरेन मेकअप वाले है ना, इसलिए हमको सब मालूम है। नहीं यार अपन को पता है मेकअप का मतलब ही नहीं पता। तो बस अभी अपन जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं अपन, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा राम झूला इतना ही है क्या बस, फिर वो ब्रिज आ गया खत्म, कुछ मंदिर वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वही। अच्छा सर एक गाना गाओ सर प्लीज, आपके गाने बहुत सुने आपका सुरूर। ओहो आहा क्या बात है बाबा जी, खाना चल रहा है। बाबा जी का ब्रेकअप हो गया। तो गाइस ये कुछ रूल्स है यहाँ के, और अभी अपन पहुंच गए। बोटिंग में कितना है पूछे क्या, सस्ता ही रहेगा बोटिंग कर ले, ग्रांड राउंड मार ले बोटिंग में। बाबा ये अपना जो ये राम झूला बना था तो ये मतलब कब बना था, कैसे बना था? 86 में शिवानंद स्वामी महाराज जी ने बनवाया था। तो इसके मतलब क्या कुछ अपनी कहानी है कोई हिंदू जी? जो सर इसका नाम शिवानंद जी था। अच्छा जी, बाद में जब मरते समय शिवानंद स्वामी ने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अच्छा जी, तो जी रामेश्वर मंदिर है इसके नाम लगा रहे हैं राम। अच्छा अच्छा, उनके राम जी के नाम से। अगर मैं राम नहीं भगवान नहीं हूँ, मैंने किया तो किया जी, और मेरे इसका नाम रखो राम, रामेश्वर के नाम पे मंदिर थे। अच्छा तब ये बना था 1986 में, पांडवों के जमाने का, पांडव जमाने का है ये मंदिर। अच्छा कोने पे का है। अच्छा कोने पे, कोने पे ना रामेश्वर दिख रहा है ना जी जी, तो पांडव जमाने का है, पांडवों के 300 साल पुराना, 300 साल। बाप रे भाई, आज ही हमारे देश में इतने हिस्टोरिकल टेम्पल है जो बहुत बहुत टाइम से आज भी है। 300 साल पुराना है ये मंदिर। तो इस राम झूले की कहानी है, यहाँ पांडव रहे थे। तो अंकल यहाँ पैसा कुछ हुआ था कि भगवान राम ने कुछ तप वगैरह किया था, ऐसा कुछ था? ऐसा बात है ना, कुछ अभी आए थे। अच्छा तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा शिव जी की बारात गई थी हिमाचल। अच्छा शिव जी की बारात गई थी यहाँ से, हाँ यहाँ से बारात गई थी, तो सभी जेब जेब था पैर पड़े हुए। अरे बाप रे खतरनाक, देव भूमि कहते हैं इसीलिए, देव भूमि ऋषिकेश, ऋषियों का केश, मतलब सब भगवान ऋषिकेश, मतलब यह है ऋषि तपस्या करते थे। अच्छा, तपस्या में लीन हो जाते थे तो उनके अंग सब भस्म हो जाते थे, खाली केश मिले, खाली केश मिले, केश के नाम पर रखा गया ऋषिकेश। अच्छा मतलब ऋषियों के केश, तो फिर वो मिले केश,
ऋषि नहीं मिले। अच्छा ऋषि नहीं मिले, उनके केस मिले, इनके लिए इसीलिए नाम रखा गया ऋषि केस, केस क्यों बनाया जाए। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू अंकल बताने के लिए। तो गाइस जैसे आपने सुना कि ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश कैसे पड़ा, तो यहाँ पे जो पहले ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, वो तप करते थे, और तप करने के बाद जो थे उनकी बॉडी भस्म होती थी और सिर्फ उनके केश बचते थे, तो इसलिए इस प्लेस का नाम रखा गया ऋषिकेश। ओके, सो मतलब इतनी बड़ी हिस्ट्री मुझे मालूम ही नहीं था, और यहाँ पे भगवान राम ने तप नहीं किया था यहाँ पे, मतलब वो जो बताया उन्होंने हिस्ट्री वही उनके हिसाब से है, और 300 साल पुराना मंदिर भी है यहाँ पे, तो वहाँ भी जाएंगे अपन। और पीछे देख सकते हो राम झूला मेरे पीछे है इस वक्त, और बहुत ही प्रीटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे सब लोग गंगा मैया में डुबकी लगा रहे पीछे। तो गाइस ये देख सकते हो, आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ राम झूला का यहाँ पर बैठ के, और हमारे सर देखो इतनी इतना इंटरव्यू लिया और रिकॉर्ड ही नहीं किया, देख सकते हो गाइस। देखो अगर फ्री में होता रहेगा तो अच्छी बात है, पूछ के देखो उसको यार, मुझको मेरे को अपने आप पे कितनी कितनी गुस्सा आती है यार, क्या गुस्सा आता है। अच्छा हाँ वो तो गाइस ये बोर्ड का प्राइस है 40 रुपया यहाँ इस तरफ से लेके उस तरफ जाने का, जो हम नहीं जा रहे यहाँ से ले सकते हैं टिकट। बाबा जी नमस्ते, नमस्कार बाबा जी, जय श्री राम। देख सकते हो कितना सही व्यू लग रहा है ये। आपको नहाना है नहा लो, एक डुबकी मार लो, आपकी तमन्ना पूरी रह गई थी वहां की, वहां कम नहाए थे आप। देखो गंगा मैया खुद चल के आ गई अपने पास। पता है मुझे क्या लगा था कि मुझे ऋषिकेश में गंगा मैया नहीं मिलेगी, मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने बोला नहीं मुझे, तुम तो बड़े भाई भाई बोल रहे थे गंगा मैया को वहां पे, तुमको भी नहीं पता ये चीज। हिमेश रेशमिया इतने बड़े सिंगर को नहीं पता यार गंगा मैया कहां से निकलती है। बाबा को क्यों पकड़े, अरे मैं भेज दूंगा यार आपको, टेक टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। चलो